वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं हम आपको अपने, अभी हमें अपने नानी के यहाँ और यहाँ के दिखाएंगे, कुछ जाते हैं कहीं घूमेंगे तो दिखाएंगे। असली बात यही तो बात है कि हम अभी तक घूम चुके हैं तो आपको दिखने को मिल जाएगा वीडियो में आगे, तो उसके बाद दिखाएंगे यहाँ पे हमने क्या क्या घूमा और क्या क्या देखा है। ये हमारे साथ हमारे छोटे भाई और मेरे भाई लोग, ये दो और एक, एक एक और एक वहाँ पे, हम लोग टोटल पांच भाई हैं यहाँ पे अभी घूमने के लिए और हमारे 10 भाई घर पे हैं, मतलब हम लोग टोटल 15 भाई हैं लगभग। बहुत हम लोग भाई ही भाई, मतलब ज़्यादा भाई की कुछ ही मतलब। तो चलिए आपको दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे नहीं, आप लोग देख लेना और आप आके दिखाएंगे कहाँ कहाँ घूमेंगे। नदी का सिप निकाल के मोती की तलाश में, और यही हमको चाहिए, एक मिल चुका है मोती। ये देखो इतना सारा सिप, अब हम लोग अमीर बन गए हैं। सब में जान बसती, अभी देख सकते हो। अरे गिर गया, देख सकते। और ये भैया ने पूरा खोल दिया है, मैं उंगली डाल के देख पाऊं मोती है कि ना, ना है मोती। या भैया, वो भैया ने पूरा खिचड़ी बना दिया उसका। वो पका के खाने से अच्छा है इनको इनके घर पे भेज देते पानी में, क्या ही फायदा इनका। नदी पे मतलब आए थे अभी हम खेत देखने और आ गए खेत देखते देखते नदी पे, तो यहाँ जाते हैं घर पे और वहाँ पे फिर अभी जाना है हमको वापस घर, और घर जाने के बाद जाएंगे मुजफ्फरपुर और वहाँ पे आगे पढ़ाई का कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए जाते हैं और आगे दिखाएंगे आपको खेत कुछ, वही पेड़ है जो उधर दो मूर्ति उधर फोटो खींचना है, तो चलिए चलते हैं फोटो खींचने। तो आप लोग देख लेना यही ना, जरूर जरूर। तो चलिए चलते हैं, लग रहा है रितेश जी बहुत थक गए हैं क्योंकि हम लोग सुबह से घूम ही रहे हैं, घूम ही रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं, घूमते ही जा रहे हैं। हमने कई चीजें नानी को सही बात, थोड़ा एक गिलास पानी वो घर पे मिलेगा। तो हम लोग फाइनली इस बड़े पेड़ के पास पहुंच चुके हैं, छाव भी है इधर, ज्यादा धूप नहीं लगेगा, उधर आराम करेंगे। तो आगे हैं नितिन, संदेश और रिशु और हम लोग, यहाँ पे दो लोग हैं हम और रितेश, पीछे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे कुछ फोटो शूट करेंगे और हो सकता है तो आपको वीडियो में ऐड करके दिखाएंगे, अगर नहीं ऐड कर पाए तो कोई बात नहीं। चलो चलिए दिखाते हैं आपको गाँव का चपकल, और ये हमारे गाँव का एक बड़े सा पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना है, उसके यहाँ पे पूजा किया जाता है। यहाँ पे कद्दू का पेड़, मतलब यहाँ के यहाँ पे लौकी का पेड़, क्योंकि हम लोग कद्दू बोलते हैं और ये है लौकी का खेत, और यहाँ पे एक लौकी दिख रहा होगा, बहुत सारा अंदर बहुत सारा लौकी है। ये यहाँ पे घेरा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नीलगाय और हमारे गांव के भाषा में बोले तो घोरपरास आते हैं, रहते हैं। ये क्या, ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग खैनी को तोड़ के बर्बाद कर रहे हैं। ये तंबाकू है, इसका इसको उगाना नहीं चाहिए, फिर भी लोग उगा रहे हैं ना। हाँ तो बेकार बात है, इसको लात मार देंगे, पर नहीं मार सकते, बहुत महंगी चीज है। बहुत ज्यादा महंगी है, बहुत ज्यादा भी इतना। ये हमारा गांव का नानी के यहाँ का बहुत ही छोटा गांव, इसको नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा गाँव है, 700 एकड़ में फैला हुआ गाँव, कितना एकड़ का वो पता नहीं लेकिन बहुत बड़ा है, इसको छोटा नहीं बोल सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तम्बाकू का खेती होता है। तो चलिए हम लोग पहुँचने वाले नानी के घर पे,
फाइनली घूमना है जहाँ पे हम लोगों को बोटिंग मिलेगा। हाँ नहीं घूम चुके हम लोग, हम लोग सब सुबह में गए थे बोटिंग की, वहाँ पे वीडियो है वो हम डाल देंगे आगे क्लिप में। और क्या है कि नहीं, घर जाने का टाइम तो चलते हैं, अभी फिर से आए थे एक बार चोर में, चलिए जाते हैं घर पे।